चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का असर राजस्थान में साफ तौर पर देखा जा रहा है। राजस्थान के कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है। इतना ही नहीं, उदयपुर में आंधी के चलते दूसरी मंजिल से गिरा एक कांच कार पर जा गिरा, जिससे कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई है। प्रदेश के 4 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। बता दें कि खराब मौसम को देखते हुए बाड़मेर से होकर जाने वाली 14 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। साथ ही उदयपुर से दिल्ली और मुंबई जाने वाली 2 फ्लाइट भी कैंसिल कर दी गई है। देखिए, जो चक्रवाती तूफान बिपरजॉय है वो कमजोर होकर डीप डिप्रेशन के रूप में 16 जून को मध्य रात्रि के आसपास, जैसा पूर्वानुमान किया गया था, जालौर और बाड़मेर के जो एडजॉइनिंग इलाके हैं वहाँ से प्रवेश किया है। और आज यदि अभी देखें 17 जून को, तो दिन में ये 11:30 बजे के आसपास में लगभग उसी एरिया के ऊपर बना हुआ है और कमजोर होकर ये डीप डिप्रेशन से फिलहाल डिप्रेशन के रूप में बन गया है। अभी यदि इसको मैप के जरिए देखें तो अभी देखिए ये बाड़मेर जालौर का ही इलाका है, यहाँ पर ये डीप डिप्रेशन के रूप में कमजोर होके डिप्रेशन के रूप में बनते हुए आगे यदि देखें तो ये लगातार नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। यानी कि अब ये सिस्टम जो है वो जालौर, इसके बाद में पाली से होते हुए अजमेर डिवीजन के जो इलाके हैं वहाँ पर अगले 18 से 20 घंटों के दौरान पहुँचेंगे। और इस सिस्टम का जो इंटेंसिटी है वो अभी भी आप देखेंगे तो करीब करीब 18 घंटों तक ये लगातार डिप्रेशन की कैटेगरी में ही रहेगा। और कल यदि देखें 18 जून को तो यह अजमेर डिवीजन के आसपास रहेगा, उस समय भी ये डिप्रेशन की कैटेगरी में होगा। उसके बाद ये सिस्टम जो है वो डिप्रेशन से और कमजोर होकर वेल मार्क्ड लो प्रेशर और लो प्रेशर एरिया में कन्वर्ट होगा। अब बात करें यदि इस सिस्टम के असर से, ये अब सेटेलाइट पिक्चर में भी यदि देखें सबसे पहले तो ये रियल टाइम सेटेलाइट पिक्चर है। आप देख सकते हैं कि अभी भी इस सिस्टम का जो सेंटर है उस मैप के अनुसार एकदम बाड़मेर और जालौर एरिया के आसपास में है और इसका जो सराउंडिंग एरियाज है वहाँ पे क्लाउड कवरेज है और रुक रुक कर हल्की मध्यम बारिश का जो दौर है वो जारी है। अब बात करें यदि बारिश जो अब तक हुई है, देखिए चूंकि सिस्टम रात को लेट नाइट राजस्थान में प्रवेश किया है तो उसका जो मेन असर है वो मिड नाइट बाद से ही हेवी रेन के रूप में देखने को मिला है। यदि देखें तो पिछले 24 घंटों में सिरोही, बाड़मेर, जालौर और इसके अलावा आप देखेंगे तो चूरू जिलों में भी कहीं कहीं भारी से अति भारी बारिश रिपोर्ट की गई है। सबसे ज़्यादा बारिश माउंट आबू में 210 mm एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल रिपोर्ट हुई है। इसके अलावा आप देखें तो बाड़मेर में भी 136 mm रेनफॉल आज सुबह तक दर्ज हो चुकी है और उसके बाद से अभी जो है वो मॉडरेट टू इंटेंस रेनफॉल एक्टिविटी जारी है। इसके अलावा सिरोही में भी नीचे यदि देखें तहसील का जो इलाका है वहाँ पे 135 mm रिपोर्ट हुई है और जालौर में भी 110 mm रेनफॉल सुबह 8:30 तक हुई है। अब यदि बात करें कि इस सिस्टम का जो असर है वो अगले 2-3 दिनों तक राजस्थान में भारी बारिश के दौर के रूप में अभी भी जारी रहेगा। 17 जून को देखें तो जो सबसे ज़्यादा बारिश का जो एक्सपेक्टेशन है वो जालौर, सिरोही और पाली डिस्ट्रिक्ट से है। इन 3 जिलों में अभी भी अगले 24 घंटों के दौरान हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल और कहीं कहीं एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल होने के चांसेज है। यानी एक दो स्टेशंस पे 200 mm भी क्रॉस करने की पॉसिबिलिटी है। ज़्यादातर स्थानों पर हेवी और कहीं कहीं जो है वो वेरी हेवी रेनफॉल इन तीनों डिस्ट्रिक्ट में आएगी। इसके अलावा बाड़मेर में भी आप देखेंगे कहीं कहीं वेरी हेवी रेनफॉल के चांस है। जोधपुर का जो ईस्टर्न पार्ट है पाली की तरफ के लगने वाले, वहीं राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर और भीलवाड़ा, इनमें भी वेरी हेवी रेनफॉल अगले 24 घंटों में होने के ज़्यादा चांसेज है। इसके अलावा उदयपुर संभाग, इधर नागौर, अजमेर में भी जैसे जैसे ये सिस्टम अगले 24 घंटों में अजमेर डिवीजन की तरफ पहुँचेगा तो भारी बारिश का दौर शुरू होगा। 18 जून को देखिए इस सिस्टम का असर से वेरी हेवी रेनफॉल जो है वो अजमेर डिवीजन और उदयपुर डिवीजन के इलाकों में जारी रहेगा। जयपुर संभाग में भी देखिए 17 जून को रात से ही बारिश की एक्टिविटी शुरू होगी, 18 जून को भी कहीं कहीं बारिश का दौर जारी रहेगा। तो जयपुर और दौसा, इसके अलावा कोटा डिवीजन के भी कुछ भागों में बारिश की एक्टिविटी शुरू होगी। 19 जून को देखिए ये सिस्टम धीरे धीरे क्रॉस कर रहा है। आप देखिए जो ऑरेंज और जो येलो कलर के डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो केवल कोटा और भरतपुर डिवीजन, एक्सट्रीम जो पूर्वी भाग है राजस्थान के, वहाँ पे कहीं कहीं भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। बाकी इलाकों में बारिश की गतिविधियों में कमी आएगी। तो अभी भी अगले 48 घंटों तक राजस्थान में भारी से अति भारी बारिश का जो अलर्ट है वो जारी रहेगा और जो इलाके हमने ऑरेंज और रेड अलर्ट में दिए हैं यहाँ पे वेरी हैवी और कहीं कहीं एक्सट्रीमली हैवी जो है वो आता रहेगा। देखिए बाड़मेर में आज लेट नाइट और अभी यदि देखें तो पिछले 6-7 घंटों से जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर मॉडरेट टू इंटेंस रेनफॉल जो है वो जारी है। सेटेलाइट पिक्चर में भी यदि देखें तो रेनफॉल एक्टिविटी बाड़मेर और जालौर के एडजॉइनिंग एरियाज में अभी अगले 10-12 घंटों तक जारी रहेगा।
तो बाड़मेर को हमने अगले 24 घंटों के लिए ऑरेंज अलर्ट में दिया है। कहीं कुछ कुछ इलाकों में वेरी हैवी, कहीं कहीं हैवी रेनफॉल जो है वो जारी रहेगा।